आज हम स्टार्ट करने वाले हैं RPWD एक्ट 2016 और इस एक्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। प्रीवियस सीटेट में तो ज़्यादा इसका वेटेज है, तो मैं अब बताता हूँ ये है क्या चीज़। तो ये RPWD एक्ट जो है, इसका फुल फॉर्म है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये क्या है, जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जिनको दिव्यांग या विकलांग बोला जाता है, ये उन लोगों के लिए कुछ एक्ट हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं जो कि 2016 में बनाए गए थे। ठीक है, तो अभी आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो RPWD में क्या है कि ये सारी कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, सोशल जस्टिस ऑफ एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है, इसके अंडर में पहली चीज़ तो है ये आती है। दूसरा है द एक्ट रिप्लेसेस PWD एक्ट 1995। भाई 2016 से पहले 1995 में भी ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, उनके लिए नियम आए थे, कुछ एक्ट आए थे, लेकिन अब ये नया आया है, तो यानी कि इस एक्ट को रिप्लेस करके नया एक्ट 2016 आया है। तो पहले कब आया था, पहले 1995 में आया था और नया आया है 2016 में। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2016 वाले से, ठीक है, तो याद रखने हैं ये पॉइंट्स कि पहले कब आया था 1995 में, नया आया 2016 में। अब तीसरा है कि इट कम इनटू फोर्स फ्रॉम 15 जून 2017। तो भैया 2016 का एक्ट है ये, लेकिन लागू कब हुआ था, ये लागू हुआ था 15 जून 2017 में। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, चेंजेस फ्रॉम PWD एक्ट 1995, तो 1995 का जो एक्ट था, ठीक है, उससे ये जो नया 2016 है, इसमें अंतर क्या है, क्या अंतर है पहले वाले एक्ट 1995 वाले से 2016 वाले में अंतर क्या है, वो अंतर में यहाँ लिखे हुए हैं, मैंने बताता हूँ। देखो, द एक्ट वाज कवर्ड 21 डिसेबिलिटी। ये जो नया एक्ट आया है ना 2016 का, इसमें 21 डिसेबिलिटी यानी 21 तरीके के जो लोगों को बीमारियां हैं, विकलांगों को जो प्रॉब्लम्स हैं, 21 तरीके की प्रॉब्लमों को इसमें पहचाना गया है, और जो पहले वाला था 1995 वाला, उसमें सिर्फ 7 तरीके की डिसेबिलिटी, कि 7 तरीके की कुछ प्रॉब्लम है लोग जो विकलांगों को, सिर्फ उनको ही विकलांग बोला जाता था और उनको सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अब बढ़ा के 21 कर दिया है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा है कि एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 18 शेल हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन। भाई अगर कोई बच्चा 6 से 18 साल की उम्र के बीच का है, ठीक है, और वो बच्चा डिसेबल भी है, ठीक है, यानी विकलांग है, दिव्यांग है वो बच्चा, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है, इन 21 प्रॉब्लम में से कोई भी एक प्रॉब्लम भी हो या कितनी भी प्रॉब्लम हो, तो उस बच्चे को राइट टू फ्री एजुकेशन यानी सरकार की तरफ से मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। 6 से 18 साल का बच्चा जो कि दिव्यांग होना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे बता देता हूँ जो पिछले साल पूछा गया था और बहुत बच्चे कन्फ्यूज हुए थे। होता क्या है कि जो टीचिंग के लिए तैयारी करते हैं लड़के, तो राइट टू फ्री एजुकेशन का जो एक्ट है, वो उसमें लिखा गया है 6 से 14 साल, ठीक है। तो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है, लेकिन वो कौन से बच्चे हैं 6 से 14 वाले, जो विकलांग नहीं है, जो साधारण बच्चे हैं, सिंपल, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 6 से 14 तक उनकी एज है, उनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 यानी जूनियर लेवल तक की शिक्षा मिल जाती है, 8वीं तक की फ्री एजुकेशन। लेकिन ये विकलांगों की बात हो रही है, और जब विकलांगों की बात हो रही है, तो 6 से 18 तक यानी 4 साल इनके बढ़ गए हैं, 6 से 18 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगी अगर वह दिव्यांग है। ओके, मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे, एम्स यानी उद्देश्य, ठीक है भाई। ये जो एक्ट पास किया RPW एक्ट 2016, इसके उद्देश्य क्या थे, क्यों किया उन्होंने ये पास, कुछ उद्देश्य तो रहे होंगे ना, तो अब वो बताता हूँ मैं कि क्या उद्देश्य थे। देखिए, पहला पॉइंट है डिसेबल फ्रेंडली एक्सेस टू ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, पोलिंग स्टेशन, ETC।
यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं इन्होंने RVWD एक्ट 2016 इसलिए पास किया कि इन लोगों के साथ कोई भेदभाव ना हो, इन दिव्यांग बच्चों के साथ कोई भेदभाव ना हो। यानी कि जैसे पब्लिक बिल्डिंग कहीं सरकारी जगह जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहीं बसों में ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं इनके लिए, और पोलिंग स्टेशन जहाँ पे जब वोट देते हैं तो इनको प्रायोरिटी मिले, ठीक है, इनके साथ भेदभाव ना हो, ठीक है। जैसे एक आम बच्चे के साथ व्यवहार किया जाता है, आम इंसान के साथ व्यवहार किया जाता है, वैसे ही व्यवहार इन डिसेबल बच्चों के साथ, डिसेबल लोगों के साथ भी हो, ठीक है। इसलिए ये कानून बनाना बहुत ज़रूरी था, RPWD एक्ट 2016। दूसरा क्या कारण था कि दूसरा इससे एक फ़ायदा हुआ कि इंक्रीज रिजर्वेशन फ्रॉम 3% to 4%। ये जो दिव्यांग बच्चे हैं इनको पहले 3% का रिजर्वेशन मिलता था, चाहे नौकरी में हो, चाहे कहीं शिक्षा में हो, किसी भी चीज़ में 3% का रिजर्वेशन मिलता था। लेकिन जब से ये नया नियम आया 2016 में RPWD एक्ट, तो तब से इनको 4% का रिजर्वेशन मिल गया, यानी 1% का रिजर्वेशन बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्सन विद एटलीस्ट 40% ऑफ डिसेबिलिटी विल गेट बेनिफिट। भाई अगर कोई बच्चा जिसको 40% डिसेबिलिटी है, 40% डिसेबिलिटी यानी कि कोई विकलांग है, और वो अगर चाहता है कि उसको विकलांगता का सर्टिफिकेट मिले जिससे आगे उसको बेनिफिट मिले गवर्नमेंट की किसी योजना में या सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए उसको रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट चाहिए, या नौकरी के लिए उसको सर्टिफिकेट चाहिए, तो ऐसे में क्या करना पड़ता है कि 40% उसमें किसी भी प्रॉब्लम में विकलांगता का 40% होना चाहिए उसमें, ठीक है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे किसी का विकलांगता का सर्टिफिकेट बनाने गया कोई बच्चा, ठीक है, अब उसके हाथ हैं, ठीक है, अब लिखने में उसको प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है कि जैसे ये दो लास्ट की दो उंगलियाँ काम नहीं कर रही हैं और बाकी तो कर रही हैं ना, है ना, तो इसको विकलांगता का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। ये किसी तरीके की डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है। 40% डिसेबिलिटी का मतलब है कि यार कर नहीं सकता, उसको ज़्यादा ही कुछ नर्व्स की प्रॉब्लम हो गई है, उसको उसका हाथ चल नहीं रहा है ठीक से, वो कलम नहीं पकड़ सकता, पेन नहीं पकड़ सकता, ठीक है, लिख नहीं सकता, तो ऐसे में उसको तब जाके उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, ना कि किसी नॉर्मल को मिल जाएगा। 40% से कम की डिसेबिलिटी है तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। ओके, ये भी क्लियर हो चुका। अब अगली चीज़ क्या हुई इससे कि वॉयलेशन ऑफ एनी डिविजन ऑफ द एक्ट इज़ पनिशेबल। अगर किसी ने ये जो एक्ट जो ऊपर हमने पढ़ा और इस ऐसे ही एक्ट का वॉयलेशन किया, ठीक है, यानी ये सारी चीज़, माने कोई लड़का स्कूल में गया, ठीक है, उसको रिजर्वेशन 4% का उस कॉलेज ने या स्कूल ने नहीं दिया, या फिर 40% से के करीब उसको डिसेबिलिटी, लेकिन गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को के लिए एक प्रोविज़न बनाया है कि ₹1,000 का उनको दंड लगाया जाएगा, ठीक है, या फिर जेल, या फिर दोनों चीज़ हो सकती है, ठीक है। ₹1,000 का उनको पेनल्टी है, या फिर जेल हो सकता है, या फिर ये दोनों चीज़ हो सकती है। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक? आइए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे मैंने क्या किया है, मैंने जो आप लोग बताया था कि भाई 21 तरीके की डिसेबिलिटी है, 21 तरीके की डिसेबिलिटी नए वाले में 2016 में 21 तरीके की हैं, पहले कितनी थी 1995 में सिर्फ 7, लेकिन अब 21 तरीके के लोगों को डिसेबल बोला गया है, और वो 21 तरीके के मैंने यहाँ लिखे हुए हैं क्या क्या हैं, और यहाँ से इम्पोर्टेंट वालों को मैंने ऐसे करके टिक लगा दिया है, ठीक है। ये वैसे मैंने पूरे 21 बताए हैं आपको यहाँ पे, ये देखिए ये अगले पेज तक 21 आ रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कह रहा है, उन 21 में से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको करने ही करने हैं, उनको टिक लगा दिया है, ठीक है, बाकी करने तो सारे हैं भाई, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ इजीली, कोशिश करूँगा कि सारे समझ में आ जाए 21 के 21, ठीक है। पहला है एसिड अटैक सर्वाइवर। तो ये पहला क्या है, ये एसिड अटैक सर्वाइवर है। अगर किसी को एसिड फेंक दिया गया, जैसे अभी एक फिल्म भी आई थी, मैं फिल्म तो नहीं देखी मैंने, लेकिन ट्रेलर देखा था, जैसे छपाक एक फिल्म आई थी, उसमें एक एक्ट्रेस थी, उसके मुंह में एसिड फेंक दिया गया था और फिर रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। तो वैसे ये एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, इनकी लाइफ बहुत बुरी हो जाती है, कोई जॉब नहीं मिल पाती, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आती थी इन लोगों को ना, तो इसीलिए इनको एक कैटेगरी में रख दिया है RPWD एक्ट 2016 की कैटेगरी में, कि अगर कोई ऐसा विक्टिम है तो उसको
क्या होगा, राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट का फ़ायदा मिलेगा उसको, ठीक है। दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या चीज़ है, कि मसल्स की कमज़ोरी, ठीक है। अब ये मसल्स की कमज़ोरी का क्या मतलब है, कि किसी इंसान के जो शरीर की मसल्स होती है ना, वो ढंग से काम नहीं कर पाती। जैसे मैंने पेंसिल पकड़ी हुई है, ये देखिए, तो ये मैं अपनी मसल्स की हेल्प से इसको पकड़ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जिसको मसल्स डिस्ट्रॉफी होगी तो उसको ढंग से पकड़ेगा नहीं, और उसके हाथ ऐसे ऐसे कांपने लग जाएंगे, ठीक है। मसल्स डिस्ट्रॉफी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बच्चों में भी हो सकती है, और ज़्यादातर ये वंशानुगत आती है, ये वाली जो प्रॉब्लम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये वंशानुगत आती है। वंशानुगत पता है ना, जैसे दादा से पिताजी में, पिताजी से बच्चों में, ऐसे करके जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती रहती है ये प्रॉब्लम, ओके। नेक्स्ट है पार्किंसन डिजीज़। अब ये क्या चीज़ है, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार सीटेट में पूछा है पार्किंसन डिजीज़, और ये बहुत कॉमन भी है। इसमें क्या होता है कि हाथ पैर कांपते हैं, ठीक है। जो बूढ़े लोग होते हैं ना, बूढ़े वृद्ध लोग, उनका देखना, ये जैसे मेरा हाथ कांप रहा है ना, ऐसे ऐसे करके उनका हाथ कांपता रहता है, या पैर भी उनके कांपते रहते हैं, या फिर उनका जो सर है, सर वो ऐसे ऐसे शेक करता रहता है, उनका सर हिलता रहता है। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, कि उनका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, और ये भी एक तरीके की मसल्स की ही प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें फिर अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये है कि ये जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये ज़्यादातर जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जीन से ट्रांसफ़र होने वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये जेनेटिक भी है, और वैसे भी हो सकती है किसी को, ज़्यादातर ये बुज़ुर्ग लोगों में पाया जाता है। लेकिन अभी इसका ये भी कोई पक्का प्रमाण नहीं है कि बच्चों को नहीं हो सकती पार्किंसन डिजीज़, लेकिन मैक्सिमम मेजोरिटी क्या है, बूढ़ों को होती है ये, और कॉमनली आप लोगों ने भी देखा ही होगा है, ठीक है। पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं इसको। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे। चौथे नंबर की जो बीमारी है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखो ये मैं टिक लगाते जा रहा हूँ, इनको पक्का कर लेना आप, अच्छे से समझ लेना। बाकी अगर थोड़ा बहुत मुझे पता है, इतनी 21 के 21 तो नहीं कर सकते, लेकिन जितनी हो सके उतनी कोशिश तो करनी है, ठीक है। इन टिक वालों को पक्का कर लेना यार। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि कोई बच्चा है, उसको रीडिंग की भी प्रॉब्लम है, पढ़ने में भी दिक्कत है, राइटिंग की भी प्रॉब्लम, लिखने में भी दिक्कत है, और मोटर कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है। मोटर कोऑर्डिनेशन क्या है, कि अपने मस्तिष्क का अपने शरीर से तालमेल ना बैठा पाना, ठीक है, इसको बोलते हैं मोटर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल देता है, तभी हम कोई काम कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ब्रेन इस समय सिग्नल दे रहा है कि पेंसिल को घुमाना है, तभी मैं इसे घुमा सक रहा हूँ, ठीक है। बोलेगा यहाँ टिक लगाओ, तभी मैं टिक लगा सकूँगा। तो ब्रेन का बॉडी और नर्व्स के साथ कोऑर्डिनेशन ही स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है इनका, ठीक है। हमारा तो हो पा रहा है जो नॉर्मल बंदे हैं, लेकिन इनका नहीं हो पा रहा। तो ये भी एक डिजीज़ है, जो कि RPWD एक्ट 2016 में 21 प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये भी है, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है भाई। फिफ्थ पे पहुँचते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। ये तो सिंपल है, नाम से समझ में आ रहा है। स्पीच यानी कोई बच्चा जब कुछ चीज़ बोलता है, स्पीच देता है, तो नहीं, ढंग से नहीं बोल सकता। अब इसमें ये भी हो सकता है कि क्लास में कुछ बच्चों को अगर रीडिंग करवाई जाती है, कि बोला किताब उठा के पढ़ने लगे बच्चे, और पढ़ते समय कुछ बच्चे क्या होते हैं, हकलाने लग जाते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत लो हो रहता है उनका, नहीं बोल पाते, या लैंग्वेज डिसेबिलिटी हो जाती है उनको, यानी जब आपस में बातें करते हैं तो उस समय उनके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो सही से नहीं निकलते, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। तालमेल सही से नहीं बैठा पाता, वो एक प्रॉपर सेंटेंस को सही से नहीं बोल पाएगा, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी बच्चे को पार्किंसन डिजीज़ हो, मस्कुलर हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी को 2-3 प्रॉब्लम भी हो, ठीक है। 21 में से 2-3 प्रॉब्लम है, जिसको बोलते हैं मल्टीपल डिजीजेस। अब इतने सारे डिजीजेस हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम हो गई, कि कोई बच्चा है उसके वो पैर ढंग से चल भी नहीं सकता, उसकी आईज भी कमज़ोर हैं, ठीक है, और वो सुन भी नहीं सकता, तो 2-3 प्रॉब्लम होगी ना, तो ये मल्टीपल डिजीज हो गई। ये तो सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट पे आते हैं 7th नंबर पे। तो
सेवंथ है थैलेसीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है थैलेसीमिया में, ऑक्सीजन की कमी खून के अंदर, ठीक है। तो एक थैलेसीमिया एक तरीके की प्रॉब्लम है, एक कैंसर की बीमारी है ये एक तरीके का। इसमें क्या होता है, जो हमारे अंदर खून होता है ना, खून, तो हमारे अंदर जो खून होता है उसमें ना ऑक्सीजन होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन जाता है, तो सिर्फ ये हमारे फेफड़ों में नहीं जाता है, हमारे फेफड़ों से फिर सीधा खून में मिल जाता है ऑक्सीजन, है ना। तो लेकिन ये जो थैलेसीमिया वाले रोगी होते हैं, इनका जो ऑक्सीजन जब सांस लेते हैं तो खून में ढंग से ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाती, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बीमारी हो जाती है, इनका ट्रीटमेंट चलता है, तो एक तरीके का कैंसर है और इस बीमारी का नाम है थैलेसीमिया, ठीक है। तो ये भी आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज़ ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस तो समझ में आता ही है, जो देख नहीं सकते, अंधापन बोलते हैं जिसको, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। अब ये क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन क्या है, पहला तो मैं बताता हूँ ये न्यूरोलॉजिकल क्या। न्यूरोलॉजिकल का मतलब ही होता है कि जैसे न्यूरोलॉजिस्ट होता है जो नर्व से संबंधित, हमारी नसों से संबंधित जो डॉक्टर होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं उनको। मैं तो अब इसमें क्या है कि क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें कि ट्यूमर जो ब्रेन नर्व्स कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करता है, अगर किसी इंसान के सर में ट्यूमर हो जाए और उस ट्यूमर की वजह से उसका दिमाग सही से काम ना करे, उसके नर्व कोऑर्डिनेशन यानी जो सर दिमाग नसें ढंग से काम न करने लगें, यानी बीमारी आ जाए उनमें, प्रॉब्लम हो जाए, प्रभावित करने लगें, तो उसको कहते हैं क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ओके। क्या कहते हैं उसे, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल का मतलब है नर्व से संबंधित, ओके। अब आते हैं दसवीं नंबर की प्रॉब्लम पे। दसवीं बीमारी है लिप्रोसी क्योर्ड पर्सन, ठीक है। देखिए जी, लिप्रोसी क्योर्ड पर्सन में क्या है, पेन महसूस नहीं कर सकते, ऐसी बीमारी जिसमें इंसान को चोट लग गई मान लो, ठीक है। जब हमें चोट लगती है तो क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यूँ काट लूँगा तो चोट लगेगी, दर्द होगा, मुझे पता लग जाएगा। लेकिन ये जो लिप्रोसी क्योर्ड पर्सन होते हैं, इनको अगर चोट लग जाती है खून निकलने लगता है, तो इनको दर्द महसूस नहीं होता, ठीक है। तो सोचो इनको कितनी दिक्कत वाली बात है कि दर्द ही महसूस नहीं हो रहा। और ये प्रॉब्लम ज़्यादा ऐसे भी हो जाती है कि जैसे इतनी हाई लेवल पे भी जा सकती है कि कोई आदमी है उसकी हड्डी टूट गई लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है, उसको पेन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत घातक बीमारी भी है, इसको कहते हैं लिप्रोसी क्योर्ड पर्संस, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस का मतलब है मानसिक रोग, कुछ दिमाग से संबंधित बीमारी, और अगर ऐसी कुछ बीमारी होगी तो नेचुरली वो एक डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी, और वह भी RPWD एक्ट 2016 के जो 21 बीमारियां बताई हैं उनमें से ऐड है, ओके। ये भी एक बीमारी हो गई। अगला है 12वें नंबर की लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अभी लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी चलने की दिक्कत, ठीक है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आता है चलने की दिक्कत, कोई चलने में प्रॉब्लम है जिस इंसान को, उसे कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा उसका। अब चलने में दिक्कत में ये भी आ सकता है कि उसके पैर में चोट लग गई हो, या एक ही पैर हो उसका, बैसाखी की मदद से चलता हो, तो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन है मल्टीपल सिलिरोसिस, ठीक है। मल्टीपल सिलिरोसिस, और इसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम प्रभावित हो जाता है, किसी का ना इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। जब ये इम्यून सिस्टम का क्या मतलब है, जैसे कोई खाना खा रहा है, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा और बहुत कमज़ोर है वो इंसान, जल्दी से बीमार पड़ जाता है, सर्दी जुकाम नॉर्मल बीमारियाँ जल्दी हो जाती हैं उसको औरों के कंपैरिजन में, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल सिलिरोसिस, ओके। तो अगली में बढ़ते हैं, 14th पे है सिकल सेल डिजीज़। सिकल सेल डिजीज़ क्या है, अभी RBC जब कमज़ोर हो जाते हैं, RBC और WBC जो दो तरीके की हमारे अंदर ब्लड सेल्स हैं ना,
तो जब ये कम तो उनमें जो आरबीसी जब कमज़ोर हो जाता है, ढंग से काम नहीं करता, आरबीसी कमज़ोर हो जाता है, छोटे हो जाते हैं आरबीसी। आरबीसी आप समझते हैं ना, हमारे बॉडी के अंदर ऐसे एक सेल्स होते हैं, सेल्स, ठीक है। अब ये लाल रंग के होते हैं तो इनको आरबीसी बोला जाता है। और ये जब कमज़ोर होने लग जाते हैं, यानी धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाता है, छोटा 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 हो जाएगा, तो ये एक बीमारी होती है और इसे कहते हैं सिकल सेल्स डिजीज़। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गई होगी, आरबीसी वाली सिकल सेल डिजीज। अगली 15वीं नंबर पे चलते हैं, होमोफीलिया। अब ये होमोफीलिया भी इम्पोर्टेंट ही है। होमोफीलिया में क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ब्लड क्लॉटिंग क्या चीज़ है? मान लीजिए मेरे यहाँ पे एक कट गया है, ठीक है। कटने के बाद यहाँ से खून निकलने लगा। खून निकलने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे क्लॉट हो जाएगा, कुछ दिनों में एक ब्लैक कलर की थोड़ी सी यहाँ पे परत सी जम जाती है, और बाद में वो झड़ जाती है और ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होता है। यानी ब्लड क्लॉटिंग यानी पहले खून रुक जाता है, क्लॉट हो जाता है वहाँ पे, तो शरीर के अंदर वो क्षमता नहीं रहती है, तो उस क्षमता की कमी को कहते हैं हीमोफीलिया। क्लॉट नहीं हो सकता, ब्लड निकलता रहेगा उनका, ढंग से ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये बीमारी हो गई हीमोफीलिया। अब अगला है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और ये क्या चीज़ है? ये है मस्तिष्क का विकास ना हो पाना। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि किसी के दिमाग में प्रॉब्लम है, ठीक है, चोट लगी है उसके सर पे या कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से उसका विकास नहीं हो पा रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, तो इसको बोलते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। अब ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जो प्रॉब्लम है, ऑटिज़म, ये प्रॉब्लम कहाँ पे देखी है? इसका एग्जांपल है, एक मूवी आई थी जिसमें जो प्रियंका चोपड़ा है वो ऑटिज़म का शिकार है। उसमें प्रियंका चोपड़ा और रणबीर कपूर की एक मूवी है, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसमें वो ऑटिज़म का शिकार हुई है, तो इससे आपको समझ में आएगा कि मस्तिष्क का और शरीर का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा। यानी कोई चोट लगी हो बचपन में, ठीक है, या फिर माता को गर्भ में ही कभी कुछ प्रॉब्लम आई हो, बच्चा जब पेट में रहता है माता के उसी समय प्रॉब्लम हो, कुछ चोट लग गई हो या उसका विकास ना हो पाया हो बच्चे का, तो उस समय उसका ढंग से विकास नहीं हो पाता दिमाग का, और फिर बाद में क्या वो बच्चा ऐसे ही रहता है, कमज़ोर रहता है, बाकी बच्चों से बिलो रहता है, तो उसको बोलते हैं ऑटिज़म की बीमारी हो रखी है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है सेरिब्रल फाल्सी, ठीक है। और ये भी क्या है कि मोटर कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आती है। मोटर कोऑर्डिनेशन यानी कि सेम टू सेम तरीके की बीमारी, कि वो हर ढंग से अपने हाथ पैरों में का तालमेल नहीं बैठा सकता, उसके हाथ जो हैं पैर जो हैं वो ढंग से काम नहीं कर सकते, ठीक है। इसको बोलते हैं सेरिब्रल फाल्सी, मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही, जो वो सोच सकता है वो चीज़ बोल नहीं सकता ढंग से, जैसे भूख लगी है तो खाना नहीं मांग सकता, प्यास लगी है तो पानी नहीं मांग सकता, ठीक है, कुछ काम करना है, लिखना है, तो ढंग से पेंसिल या पेन नहीं पकड़ सकता, इसको बोलते हैं सेरिब्रल फाल्सी। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में मैंने लिखा है कि बालक की इंटेलिजेंस बिलो एवरेज होती है। यानी वह बच्चा जो बाकियों से कम इंटेलिजेंट है, कुछ ज़्यादा ही कम इंटेलिजेंट है, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ऐसे बच्चे भी RPWD एक्ट 2016 में इन बीमारियों में आते हैं। अगला है लो विज़न, भाई दृष्टि कम होना, ठीक है। और इसकी क्या कितनी दृष्टि कम है? मैंने बताया बार बार आपको कि 40% से ज़्यादा ही होना चाहिए। ये जो बीमारियां जितनी मैं गिनाई हैं, 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके वो बच्चा जो गवर्नमेंट की जो मैंने बताया ना पॉलिसी वगैरह, जो सर्टिफिकेट मिलता है इनको विकलांगता का, वो तभी मिल सकता है, तभी वो कुछ उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ 10% लो विज़न है, तो कुछ लो विज़न भी कुछ ज़्यादा ही लो विज़न होना चाहिए। वैसे ये प्रॉब्लम है, 40% इनकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए इनमें। नेक्स्ट है हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कम सुनना, जिसको कम सुनाई देता है, और कितना कम सुनाई देता है? 40% से ज़्यादा, यानी 40% से ऊपर होने की होना चाहिए उसको डिसेबिलिटी में।
एंड लास्ट है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं बौनापन। ठीक है, जो बौने होते हैं जिनकी हाइट छोटी नहीं रह जाती, तो उनको ड्वार्फिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, बौनापन। और ये एक बीमारी है जो कि अभी 2016 में ऐड करी गई है, पहले नहीं माना जाता था इसको। पहले वालों को, पहले जो मैंने बताया था ना सात बीमारियां 1995 में जो सेवन टाइप के डिजीज़ को ही रिकॉग्नाइज़ किया गया था, लेकिन ये अभी 2016 में ड्वार्फिज्म को भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है, इसको भी 21 डिसेबिलिटी में डाला गया है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गई होंगी। आप एक काम कर लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पेज, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, एंड फिर बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इनको बार बार आप पढ़ते रहना तो ईजिली हो जाएंगे, और जिनमें टिक किए हैं ना इन पर ज़्यादा ध्यान देना। बाकी ये सब चीज़ें तो इतना कोई पूछी नहीं गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार नहीं पूछी तो दोबारा नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं, लेकिन बार बार इन्हीं को ही पूछा जा रहा है जिनमें टिक लगाए गए हैं, ठीक है। तो फिर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर ही देना आप लोग, ठीक है। मैं बता दूंगा आप लोगों को कि कुछ इसमें ऐड करना होगा या कुछ और प्रॉब्लम होगी जो आपको पता हो, शायद मुझे ना पता हो, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर अभी इसके बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, और वो बनाएंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है टीचिंग के पर्पज़ से। तो उस पर फिर अगली वीडियोज़ में बात करेंगे हम, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय।